सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पशुओं की खरीद फरोख्त से संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इस अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने पशुओं को वध करने के लिए खरीदने या बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 30 मई को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने भी केंद्र सरकार के पशुओं की बिक्री संबंधी नए नियम पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी है। अगर केंद्र सरकार दोबारा से जो पुनर्विचार करके अगर इसको रीनोटिफाइड करती है तो उसके बाद जो एग्रीव पार्टी है उनको भी लिबर्टी है कि अगर दोबारा से वो उससे एग्रीव्ड हैं तो उन नोटिफिकेशन को जो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन होंगे उनके लिए वो एसएल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि अधिसूचना के नियमों को लेकर राज्यों से कई आपत्तियां और सुझाव आए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। सरकार अभी इन नियमों को लागू नहीं कर रही है, इसमें बदलाव करके सरकार अधिसूचना को दोबारा से जारी करेगी जिसमें 3 महीने का वक्त लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया कि ये नोटिफिकेशन इसमें जो भी गलतियां हैं इसमें इसको हम गौर कर रहे हैं और सारी एप्लीकेशन उनके पास जमा हुई हुई हैं और उन्होंने अगस्त के एंड तक रीनोटिफाई करने के लिए ये दोनों नोटिफिकेशन को रीनोटिफाई करने के लिए कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट दिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पशु बाजार में बूचड़खानों के लिए जानवरों को खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी थी। इसका केरल और